हेलो एवरीबॉडी, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपकी विश पूरी होगी और आपकी विश कब तक पूरी होगी। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इज द डेडिकेटेड एफर्ट। एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज चेंज योर फोकस। सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हेलो एवरीबॉडी, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड डेडिकेटेड एफर्ट। चलिए देखते हैं कि आपकी विश क्या पूरी होगी या नहीं होगी और कब तक पूरी होगी आपकी विश। लेट्स सी फॉर द ग्रुप नंबर वन इफ एंड व्हेन Your wish will be granted. We have the Empress, then we have Page of Cups, then we have Eight of Pentacles, Six of Cups, Ten of Wands. And we have two of wands. Okay. So guys, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी, तो उसका आंसर है येस। आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स भी है, विच इज शोइंग कि वो जो चीज़ है जो आप प्रेयर कर रहे हो वो आपके हाथों में ही होगी, वो आपके पास होगी बहुत ही जल्द। लेकिन इस विश के कम्प्लीशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो है आपका एफर्ट और हार्डवर्क, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ जो है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे आपने कार्ड भी चूज़ कराया ना, डेडिकेटेड एफर्ट। तो यस, एफर्ट तो जो आपको है वो लगानी है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है आपके, तो यहाँ पे भी ये पर्सन जो है ये हार्डवर्क कर रहा है इस चीज़ के लिए और इसका जो भी फोकस है वो अपने काम के ऊपर ही है। तो जो भी आपका डिज़ायर है, विश है, आपको अपना सारा फोकस जो है वो वहीं रखना है। ऑफकोर्स डिफिकल्ट होगा, चैलेंजेस भी आएंगे, हार्डवर्क आपको, यू विल फील कि यू नो कि एफर्ट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। और क्योंकि आपकी विश आई थिंक कोई बड़ी विश है, तो जो एफर्ट है वो भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही है। तो काफ़ी हो सकता है कि आपको एक पॉइंट पे यू नो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ और आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा ही एफर्ट मांग रहा है, डेडिकेशन मांग रहा है। बट अगर आप वो चीज़ कंटिन्यू रखते हो तो वो जो आपकी विश है वो जल्द ही आपके पास होगी। ओके, एंड आई थिंक वो विश इज़ रिलेटेड टू समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, कि ये आपका हार्टली डिज़ायर है टू गेट दिस विश कम्प्लीटेड। एंड यू नो ये एक मतलब लॉन्ग टर्म से आपका ये प्लान है कि ये चीज़ जो है ये आपके पास हो, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस। एंड कहीं ना कहीं दिस थिंग इज़ रिलेटेड टू कि मतलब होता है ना कि एक कोई चीज़ मिलती है तो दिल से इंसान खुश होता है, ये चीज़ उस चीज़ से कनेक्टेड है। सो येस, यू विल बी हैप्पी बाई हार्ट। एंड समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी, टैलेंट से लिंक्ड ये कोई विश हो सकती है आपकी, बट अगेन इसमें हार्डवर्क लगेगा आपका। एंड एम्प्रेस इज शोइंग येस, विश विल बी कम्प्लीटेड एंड यू विल गेट दिस ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी वेरी सून। एंड फॉर मेनी ऑफ यू दिस विश कैन बी अ प्रेगनेंसी ऑल्सो और अ मैरिज ऑल्सो, तो वो चीज़ भी जो है बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ट्रैवल, वो भी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ओके, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट टू मंथ्स जो है ये विश आपके पास होगी। एंड क्योंकि अगर आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाए रखते हो इस चीज़ पे और एक प्रॉपर हार्डवर्क करते हो, तो ये चीज़ जो है ये विद इन टू मंथ्स जो आपके पास होगी। ओके, यहाँ से हम और कार्ड देते हैं रिगार्डिंग योर विश। अनसक्सेसफुल प्लान्स या इन दी पास्ट मे बी ये चीज़ जो है वो नहीं पूरी हो पाई थी। मे बी आपका सेकेंड ट्राई है इस चीज़ के लिए, तो इन दी पास्ट इट वॉज़ अनसक्सेसफुल बिकॉज एफर्ट की कमी थी या कोई ना कोई चैलेंज आ गया था। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो यस, चीज़ें स्लो हैं इस विश के रिगार्डिंग, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्लो हैं, जैसे कि टेन ऑफ वॉन्ड्स भी काफ़ी स्लो है, राइट? तो काफ़ी स्लो चीज़ें हैं बिकॉज एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो बट आगे बढ़ रहे हो।
यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. यू आर यूजिंग योर इंट्यूशन, यू शुड यूज योर इंट्यूशन बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव. और आपके लिए एम्प्रेस भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, यस यू आर इंट्यूटिव. तो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्या गाइड कर रहा है करने के लिए इस विश के रिगार्डिंग, उस चीज़ को फॉलो करते रहो. देन अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू. सो फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, सक्सेस, करियर, ग्रोथ, अबंडेंस. तो वो जो पाथ है, मनी पाथ है, वो आपका वेट कर रहा है. एंड वी हैव अफेयर्स विथ योर फैमिली. मे बी लाइक आपकी फैमिली की भी डीप डिज़ायर है कि ये जो विश है आपकी पूरी हो जाए, आपको मिल जाए ये चीज़ बहुत ही जल्द. सो योर फैमिली ऑल्सो प्रेइंग फॉर यू. रोमांस इज इन द एयर, येस. आई थिंक फॉर सम ऑफ यू इट्स लिंक्ड विथ योर लव लाइफ और रिलेशनशिप. एंड देर आर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप, बट सम हाउ इट विल बी फुलफिल नाउ. ओके, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी हर्डल्स आ रहे थे इन योर मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप, that will be over and a new beginning will come in your love life. Okay, let's see from here also. Group number one. We have manifest, yes. So you are manifesting it, या आप उसको manifest करके और जल्दी अपनी life में पा सकते हो. Okay, अपना effort तो आप डाल ही रहे हो, but अगर आप कुछ किसी वे में इस चीज़ को manifest भी कर पाओ affirmation से, positive रह के, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जल्दी आपकी life में आ जाएगी. So keep on manifesting also, stay positive also. Well deserved reward, yes. You will get this wish. See, after this eight of pentacles, this nine of pentacles का card आया, well deserved reward. So you deserve this. You deserve this wish. लेकिन यहाँ पे इस top तक पहुँचना, it's not easy. But you are reaching with your effort and hard work and dedication and manifestation, right? So ये reward आप actually में deserve करते हो. So you're getting it very very soon. Let's see if there are some guidance for you regarding this. गाइडेंस क्या है फॉर द ग्रुप नंबर वन रिगार्डिंग दिस विश. वी हैव रिलैक्स. सो रिलैक्स, इतना लाइक वरी मत हो रिगार्डिंग दिस. ओके, टाइमली ये चीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगी. ओवर थिंकिंग मत करो. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, एग्जैक्टली. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, पॉजिटिविटी, सो यू कैन मैनिफेस्ट इट क्विकली. देन वी हैव सी द बिगर पिक्चर. सो येस, डोंट फोकस ऑन द स्मॉल फेलियर्स, सी द बिगर पिक्चर. कि बिगर पिक्चर में, बिगर वर्जन में अपने आप को आप कहाँ देखते हो, आफ्टर वन ईयर आप कहाँ देखते हो खुद को. तो फोकस ऑन द पॉजिटिव, सी द बिगर पिक्चर एंड डोंट फोकस ऑन द फेलियर्स यू हैड इन द पास्ट. ओके, सो ग्रुप नंबर वन ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको हेल्प मिली हो. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर टू. हाय, कैसे हो आप सब? सो गाइस, चलिए देखते हैं कि क्या आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी और कब तक पूरी होगी. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर टू. सो ग्रुप नंबर टू की विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी. We have the Judgment card, then we have Seven of Wands, the Tower, Four of Cups, Page of Swords, Wheel of Fortune. Okay, group number two. आपकी जो भी विश है ना, डिज़ायर है, इसमें चैलेंजेस बहुत हैं. सबसे पहली बात तो, बिकॉज सेवन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि मे बी ये कोई ऐसी कोई चीज़ है जो मे बी ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपको बोल रहे हो कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. ओके, बट यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस, राइट? या फिर मतलब इस चीज़ में चैलेंजेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है. आपको ऐसा लगता है कि ये जो डिज़ायर है ना, इसमें कोई आपको सपोर्ट कर नहीं रहा है और आप अकेले ही, यू आर जस्ट पुटिंग एफर्ट्स एंड ऑल. ओके, एंड जो सामने से भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको लाइफ की तरफ से भी, और आप मतलब बस लड़े जा रहे हो उन चैलेंजेस से. ओके, और चैलेंजेस जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे. ओके, एंड मे बी ये भी हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी इस विश के ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि मींस आपका मींस सपना है कुछ करने का लाइफ में, और दूसरे लोगों को वो चीज़ जो है वो बड़ी नॉर्मल लग रही है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है. और आप जो हो, आप वो चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, बट दूसरे लोग जो हैं मे बी आपको सुन ही नहीं रहे हैं या फिर आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड यू रियली वॉन्ट टू डू दैट. ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है ना, वो ये है कि आप वो काम कर दो और दूसरे लोगों को जो है आप
आप रॉन्ग प्रूव करके दिखाओ कि देखो मैंने ये काम आखिर कंप्लीट करा और मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, राइट? तो आपकी जो विश है ना वो पूरी तो होगी, लेकिन यस, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे और थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको कम मिलेगा फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। लेकिन ऐसा टाइम आएगा ना कि जो भी लोगों के मिसकंसेप्शन है ना आपके बारे में कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, ये पता नहीं क्या डिसीजन ले लिया है आपने, ओके, दूसरे लोगों का जो भ्रम है ना, जो उनका थॉट है, वो सब टूट जाएगा एंड यू विल बी द विनर एट द एंड। ये टावर कार्ड में ये जो पर्सन है ही स्माइलिंग बिकॉज इसका जो प्लान था ना वो सक्सेसफुल हो गया, इवन दो इट्स अ टावर कार्ड, बट इस कार्ड का जो मीनिंग है मुझे हमेशा ही डिफरेंट लगता है इन दिस डेक। सो यहाँ पे यू नो दूसरों के जो मतलब एक होता है ना कि जब हम एंड में सही प्रूव होते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, राइट? कि जब हमेशा लोग गलत समझ रहे होते हैं बट एट दी एंड यू आर प्रूव्ड राइट, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी एंड यू नो यू विल से टू अदर पीपल कि देखो मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो भले ही अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग, आप पे हंस भी रहे होंगे या फिर आपको आपके पार्टनर भी आपको इतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन जब आप अपने लिए चीज़ कर जाओगे ना तो पीपल विल एक्चुअली सी, पीपल विल बी सरप्राइज कि आपने कैसे करा। ओके, आपको वो चीज़ जो विश है डिज़ायर है वो बिल्कुल मिलेगी बिकॉज पे योर सोर्स भी है। ओके, और ऐसी मिलेगी ना कि क्लैरिटी होगी पूरी कि हाँ मेरे को ये चाहिए लाइफ में। ओके, और ये आप ना खुद पाओगे अपने मेहनत से, डेडिकेशन से। लेकिन इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपका एफर्ट तो लग ही रहा है और आपका जो सस्टेनेंस है, आपका जो एक विल पावर है वो तो है ही, लेकिन इसमें डेस्टिनी का और डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी और जजमेंट कार्ड भी है आपके लिए। ओके, तो डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग का बड़ा रोल है इस चीज़ में कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तभी वो चीज़ पूरी होगी आपकी, ठीक है? और वो डिवाइन की मर्जी जो है, जब वो जब उनको लगे कि हाँ अब आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, तो वो आपको उसी वक्त वो चीज़ दे देंगे। एंड जजमेंट ऑल्सो, कि जजमेंट इज़ रिगार्डिंग कि लाइक पीपल जो आपको रॉन्ग समझ रहे हैं या फिर आप अकेले पड़ गए हो एंड यू आर जस्ट आस्किंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन कि मेरा टाइम लेके आओ प्लीज़, लोग मुझे इतना गलत समझ रहे हैं और मेरी हेल्प करो, तो वो आपका जजमेंट है ना वो भी होगा, वो भी राइट टाइम पे होगा। ओके, उसकी आप टेंशन ना लो, वो भी लाइक डिवाइन करेंगे आपके लिए, बट इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द डिवाइन्स विल। मे बी ये जो काम है ये आप कर ही उसकी मर्जी से पा रहे हो, राइट? आपके दिमाग में जो ये आइडिया आया है मे बी उन्होंने ही डाला है डिवाइन ने, तो इसमें जो सारा रोल है वो उनका रहेगा, आपका तो ये रहेगा कि आपको एफर्ट डालना है, आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, बट फॉर मैनी ऑफ यू अक्टूबर कैन बी अ वेरी लकी मंथ कि अक्टूबर में जो है आपकी विश पूरी हो सकती है अगर आप डेडिकेटली एफर्ट डाल रहे हो। ओके, बट इन द 1 to 2 months दिस विश विल बी कम्प्लीटेड एंड या फिर मेजर पोर्शन जो है इस विश का वो आपका कम्प्लीट हो जाएगा इन द नेक्स्ट 1 to 2 months। ओके, चलिए हम और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 रिगार्डिंग देयर विश। आपके लिए कार्ड नीचे गिरा है, आई वॉन्ट टू टेक दैट, यू विल बी शोन द वे। सो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप दूसरों की बातों को इग्नोर करके यू नो आप अपने उस पाथ की तरफ बढ़ सकते हो। और जो भी अगर आप कंफ्यूज भी हो रिगार्डिंग दिस थिंग, तो एक रास्ता जो है आपको एक क्लैरिटी समझ में आएगी। ओके, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स। येस, इंक्रीज योर एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स भी डालने हैं अपने, डिवाइन तो करेंगे अपना काम। देन वी हैव, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, पर एप्स लव मनी और गोल्स। आपको हमेशा वो लैक वाली फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ तो कमी है लाइफ में, दैट्स वाई यू वॉन्ट दिस विश सो मच। एंड कमी कमी एक तरह से सपोर्ट सिस्टम की भी है आपकी लाइफ में, कि ज़्यादा आपको लव या सपोर्ट सिस्टम जो है इस वक्त नहीं मिल पा रहा, कमी आपको मनी की भी लग रही है आपको कि आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो यू वॉन्ट दीज थिंग्स इन योर लाइफ। देन न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। सो येस, इस विश के रिगार्डिंग आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़, एक रास्ता, न्यू पाथ, न्यू बिगनिंग्स जो है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। देन वी हैव एन एक्साइटिंग इवेंट, तो समथिंग एक्साइटिंग रिलेटेड टू दिस विश इज़ हैपनिंग सून, कि मे बी ये जो काम है आपका बन जाएगा एंड यू विल बी सो एक्साइटेड एंड आप सबको बता रहे हो कि ये जो फाइनली ये जो काम था ये आपका हो गया है। सो समथिंग एक्साइटिंग इज़ कमिंग फॉर यू। Let's see for you. Let's see for you from this deck. We have giving and receiving. So yes, it's all about ki what काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग। तो आप अगर जितने अच्छे एफर्ट्स डालोगे उतने अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक,
वट एवर यू विल गिव दैट यू विल टेक राइट. तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा एंड मे बी लाइक वट एवर थाट्स जो आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के थाट्स किस तरह का थाट प्रोसेस है आपका इस विश के रिगार्डिंग. अगर आप खुद नेगेटिव हो रहे हो कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा सच में नहीं हो पाएगा, बट इफ़ यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर कि येस होगा होगा डेफिनेटली होगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है आपकी पूरी होगी. देन वी हैव सेक्रल चक्रा. आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर हिडन टैलेंट और क्रिएटिविटी और ऐसा साइड आपका जो आपने भी एक्सप्लोर नहीं करा है बट यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट एरिया. ओके, सो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, टैलेंट आ रहा है इस विश के रिगार्डिंग, इस चीज़ के रिगार्डिंग एंड यू आर फॉलोइंग दैट. लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर टू. We have know you are loved. See, even though nobody is like supporting you, but always know that divine is always with you, divine is supporting you, divine loves you. Okay, and आप हमेशा उनके favorite हो और भले कोई ना हो साथ में, but divine is watching you and supporting you in every way possible. Then we have reflect on your priorities. So yes, इस टाइम प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको दूसरों की बातों पर ध्यान देना है, दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान देना है, या फिर दूसरों जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान देना है और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है, या फिर आपको अपनी प्रायोरिटी क्या है कि ये प्रायोरिटी ये विश आपकी प्रायोरिटी है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है. ओके, सो वॉट इज़ योर लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी, फोकस ऑन दैट. And then we have last is go for it. See, wow, क्या कह रहे हैं डिवाइन, गो फॉर इट. टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाओ उस चीज़ के रिगार्डिंग और डबल थाट्स मत रखो कि उसने ऐसा बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. वॉट योर हार्ट इज सेंग, योर डिवाइन इज सेंग, योर इंट्यूशन इज सेंग, जस्ट गो फॉर इट. तो आगे बढ़ जाओ उस चीज़ के रिगार्डिंग और ओवर थिंकिंग मत करो, बस अपना काम पर ध्यान दो और अपना एफर्ट डालो 100%. ओके, सो ग्रुप नंबर टू ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको हेल्प मिली हो इस रीडिंग से, एंड इफ सो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.